नमस्कार दोस्तों, रमन एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम चंडीगढ़। जैसे कि हमारे एपिसोड एस्ट्रोलॉजी के ऊपर चल रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है कि जो जेम स्टोन्स आप पहनते हैं उसकी कटिंग बारीक होनी चाहिए या बिग होनी चाहिए। इसका बहुत ही गहरा रिलेशन में आगे आपको बताऊंगा किस किस चीज के साथ जुड़ा हुआ है। अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, नीलम को ले लेते हैं, जहां हम पुखराज को ले लेते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये वो पत्थर हैं, अगर आप इसके अंदर बहुत बारीक कटिंग लेंगे, कटिंग का मतलब होता है स्टोन को जब तराशा जाता है, जब उन्हें मशीनों के ऊपर चढ़ाया जाता है, तो उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं। आप देखिएगा, बहुत ही स्मॉल बॉक्सेस, मैं यहां पे बहुत स्मॉल तो बना नहीं पा रहा हूं, लेकिन छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं। जितना ज्यादा बॉक्स होंगे उसके अंदर, दोस्तों उतना ज्यादा उसके अंदर एनर्जी पास करेगी। मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं कि जितना बड़ा बॉक्स होगा, मान लेते हैं एक स्टोन के अंदर, ये कोई एक दो चार नहीं होते, मैं आपको बता दूं, कम से कम भी मेरे हिसाब से इसकी जो संख्या होती है 1000-5000 ऐसे होती है। तो दोस्तों अब इसको आप बड़ी कटिंग में लेंगे, हो सकता है 5 के अंदर ही या 10 के अंदर ही आपकी जो सारी की सारी वो कटिंग आ जाए। तो रिजल्ट कहां पे कमी आई है? रिजल्ट की कमी यहां पर आ रही है कि कटिंग नहीं है, जो एक वो एक चक्रा है उसके ऊपर वो जब चलता है तो उसकी एनर्जी पास नहीं हो रही। तो बारीक कटिंग लेंगे, आपको पता लगेगा उसके अंदर से जो रश्मियां निकलती हैं वो बहुत ही ज्यादा आपको रिजल्ट दे पाने में सक्षम होंगे। ये बहुत ही प्रोफेशनल सी चीज है, इसके ऊपर कोई भी टॉपिक के ऊपर बात करने से कतराता है। उसका कारण ये होता है, जो जेम्स बेच रहे हैं उनको तो ये होता है, बेच दो, क्या लेना देना बड़ी कटिंग से छोटी कटिंग से, ये एज होते हैं, कटिंग होते हैं। जब पत्थर को निकाला जाता है माइन से तो दोस्तों वो कोई इतने बारीक थोड़ा होते हैं, वो तो 10-12-20-50-100 केजी का पत्थर निकलता है, रॉ होता है, उसको तराशा जाता है। अब तराशने के बाद ये जो मैंने आपको बारीकियां बताई हैं, इस बारीकियों को अगर आप समझेंगे तो लाइफ के अंदर जो रत्न आपको रिजल्ट नहीं दे रहे वो देना शुरू कर देंगे। तो ऐसी ढेरों चीजें, ऐसी ढेरों नॉलेजेबल बातें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। उसके लिए आपको दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर, ये इन सब इंजन्स के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी चीजों को आप समझिएगा जिससे आप ठगे ना जाए, ये बारीकियां हैं, इसको आप समझेंगे आपको पता लगेगा कि है क्या। तो मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।